प्राइम बड़ा सीरीज में आपका स्वागत है। मैं निशा सरोज, आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। गणित उत्सव मोहर्रम पर्युषण एवं ओणम पर्व के मद्देनजर आज कलेक्टर में संपन्न हुई शांति समिति की बैठक में शहर और जिले के नागरिकों से इन त्योहारों को शांति सभद्र और आपसी भाईचारे से मनाने की अपील की गई। भरत यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने त्योहार के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में सदस्यों ने त्योहार के मद्देनजर सभी धार्मिक स्थलों, जुलूस मार्गों, गणित उत्सव के पंडालों एवं सवारी व ताजिया रखने के स्थानों के पास साफ सफाई एवं प्रकाश के पुख्ता इंतजाम करने तथा सड़कों की मरम्मत कराने का भी सुझाव दिया। सदस्यों ने बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी बात कही। त्योहारों के दौरान सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम करने तथा शांति भंग करने की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग प्रशासन से की गई। डीजे पर लगाई गई रोक पर कड़ाई से पालन करने का सुझाव भी समिति के सदस्यों ने बैठक में दी। कलेक्टर यादव ने बैठक में विधायक संजय यादव के सुझाव पर सहमति व्यक्त करते हुए विद्युत मंडल के अधिकारी को अस्थायी विद्युत कनेक्शन देने के सतर्कता बरतने की हिदायत दी। यादव ने समिति सदस्यों से प्रतिमाओं के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक एवं विषाक्त रंगों के इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने बैठक में त्योहार के दौरान सुरक्षा के सभी पुख्ता प्रबंध करने का भरोसा दिया। वहीं बैठक में विधायक संजय यादव, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राज सोनकर, पुलिस अधीक्षक अमित सिंह, नगर निगम आयुक्त आशीष कुमार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अभी जन्माष्टमी पे भी कई जगह जो है रस्ते में रख लिया था आपने, हटवाया था रानी में रख लिया था, कहाँ रख लिया था, पार्षद जी ने बोला वहाँ रख लिया, फिर एडिशनल एसपी साहब ट्रैफिक गए, उन्होंने बोला तब हटा। तो ये हम सबको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे प्रतिमा स्थापना की वजह से किसी को समस्या ट्रैफिक की, अन्य बच्चे स्कूल जाते हैं, बाकी लोग होते हैं, एम्बुलेंस जाना होती है, मरीज को जाना होता है, कोई समस्या ना हो। और थानावार जो शांति समिति की बैठक होगी उसमें जो गणपति के जितने भी पंडाल लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रतिमाओं की स्थापना होती है, कुछ जगह बड़ी जैसे आपने बताया वहाँ तो बहुत बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में होती है, तो उनको लेके बैठक हो जाए प्रॉपर, उसमें जो भी मतलब डिसाइड हो जाए कि कहाँ होना है, सुरक्षा का विद्युत कनेक्शन लिया जाएगा, स्थाई सुरक्षा के उपाय रहेंगे, बारिश का टाइम है तो ऐसा ना हो कि तार वगैरह ढीले हो, खुले हो, उससे भी दुर्घटना हो सकती है। जो अभी जैसे दुर्घटना हुई थी कि चल समारोह में जो है झंडे से वो गीला था झंडा और ऊपर लाइन में आ गया और दो बच्चों की उसमें मृत्यु हो गई, दुखद निधन हो गया। तो ये सबको मतलब जो व्यवस्थापक है उनकी भी जिम्मेदारी है। कई बार क्या होता है कि हम सब लोग नगर निगम और विद्युत विभाग को सब पे लाद देते, सबकी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है कि सारी चीजें व्यवस्थित रहे, सुरक्षा से रहे, और व्यवस्थापक जो व्यवस्थापक है उनकी ज्यादा जिम्मेदारी, तो उसको उसका सब पालन करें। बाकी जो जिसकी अपेक्षाएं जैसी रहेंगी कि आपकी प्रतिमा बड़ी रहती है और थोड़ा सा विसर्जन ले जाने में दिक्कत रहती है, नाली की सफाई बताई आपने, वो सारी चीजें नोट कर ली गई है, उसमें कार्रवाई होगी। रहता है तो कोई भी लजना नहीं चाहता, वो कोई भी त्योहार हो, तो जितनी भी तरह की मूर्तियाँ रखी जाती हैं, और कोई भी मूर्ति जब अपन रखते हैं तो चार चार पांच पांच हफ्ते भर का तो कार्यक्रम रहता है, और आजकल त्योहार को लोग त्योहार के हिसाब से मना लेते हैं, और आपके डीजे में तो कोई सुधार का काम हो ही नहीं रहेगा, तो हमारे त्रिपाठी की कुछ कर रहे हैं ना, हमारे अमित साहब कुछ कर रहे हैं। डीजे में हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बच्चों की परीक्षाएँ प्रभावित होती हैं, लोगों का अटैक तक आते हैं, हमारे मोहल्ले में एक अटैक आया था डीजे के कारण, घरों के कांच फूट जाते हैं, जितना तेज डीजे बजता है, तो कम से कम ना कॉलोनी में अगर रख रहे हैं या तो रास्ता छोड़े, बीच रास्ते में ना रखें, एक एक सप्ताह के लिए रास्ता बंद हो जाता है, वो बिल्कुल ना हो, तो इसको जो भी क्षेत्र वाई काम देख रहा है इस बात को ध्यान रखें कि कम से कम रास्ता बंद ना हो। दूसरा, कलेक्टर साहब उसी दिन तीजा पड़ रही है, तीजा शायद पता भी कितने लोग जानते हैं, मुझे नहीं मालूम, अपने इलाके को वार्डन से जानते हैं, ये हम लोगों के यहाँ का 24 घंटे का महिलाओं का निर्जला व्रत है ना, तो अगर हमारे कमिश्नर साहब आज 7 साल बाद पधारे हैं, नहाने की तो जरूरत है, भगवान को नहलाने की तो जरूरत है, यार क्या लोग महिला विरोधी बात कर रहे हैं। 24 घंटे का निर्जला व्रत रहता है,
दो तारीख को सर उसमें क्या महिलाएं रात को 4 बजे नदी में जाती हैं नहाने, डर के मारे नहीं जाती, पर ये जो हमारी पुरानी परंपरा है आज भी वो कायम है। हम चाहते हैं इसमें सुरक्षा को लेके मेन पानी हो, आप सुबह 4 बजे पानी दे सकते हो, आपको लिख लीजिए, वो बहुत जरूरी है। हम महिला में से एक एक महिला है हमारे समर्थन कर देगी, ये बहुत जरूरी बात है। और सर दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रास्ता न रोको जाए, और जो संजय भाई ने बोला बिजली की सुरक्षा करी जाए, 3 साल पहले क्योंकि सर तीजा के त्योहार में शंकर जी और पार्वती जी का व्रत होता है, तो महिलाएं 3 बजे से मंदिरों में जल चढ़ाने जाती है, भाभी भी जाती है, तुम हाँ क्यों नहीं कर रहे? ऐसा ना रात भर महिलाएं भजन मंडल के लिए। जबलपुर से कदीर खान की एक रिपोर्ट।